तेरहवीं कहानी, इजरायली लोगों का दगाड़, परमेश्वर को वादा। इजरायली लोगों लाल समंदर बटे पार ले जाना के बाद परमेश्वर उन्होंने जंगल बटे होबरन सीने पर्वता की तरफ ले गयो। यो वही पर्वत छो जहाँ मूसाल जलीनाक झाड़ीस देखीनाक छो। उन लोगों ले वो पर्वताक तले अपन तंबू लगायन। परमेश्वर मूसा थे और इजरायलक सब लोगों तक क्यों तुमोन हमेशा मेर बातुन मानून छ और जो वादा मैल तुम्हार दिगाड़ कर छू उस याद रखा। अगर अब तुम मेरी बातुन ध्यान एल सुन ला और मेरे हुक्मों को पालन कर ला तब सारी धरती के लोगों में भटे तुम यार खास लोग होला। तब तुम पवित्र बन भेरन में सेवा करला और एक पवित्र जाति ठहरला। उल उन लोगों थे योला क्योच तुम तीन दिन तक अपना परमेश्वर खिन तैयार करा तब परमेश्वर सेने पर्वत भटे तल उतराज और तीसार दिन रात तक बादलों की गर्जनक दगाड़ चाल चमक छे और एक घना बादलाक बीच में आज और वहाँ भटे बहुत तेज तुरी आवाज सुनाय। तब मूसा खुद मैल पर्वत में चढ़ गयो। तब परमेश्वर लोगों का दगाड़ वादा कर छे और उल क्योच मैं तुम्हार प्रभु परमेश्वर छू जो तुम उन मिस्र देश भटे बिहार निकाल लिया रही हूं। तुम और कोई देवतान की पूजा जन करया, तुम अपुन खिन कोई देवतान की मूर्ति जन बनाया और न उन्हें पूछ करया कि ले कि मैं यहुआ तुम्हार एक का परमेश्वर छू। तुम अपुन प्रभु परमेश्वर के नाम बेमतलब में जन लिया। तुम हफ्ता सतु दिनस पवित्र मानुन खिन याद रखिया। तुम छह दिन मेहनत करया और अपुन सब काम करया लेकिन सातों दिन खिन आराम करया और मैस याद करना दिन छे। तुम अपन इज भवन को आदर करया, तुम खून जन करया, तुम व्यभिचार जन करया, तुम चोरी जन करया, तुम कब कह को घरों लालच जन करया और न कह की सैनिक या वो कोई चीजन को लेना इच्छा जन करया। तब परमेश्वर इन दस हुक्मन हतल ढूंगाक द्वीप पाठीन में लिख भेन मूसास दियान। परमेश्वर पालन करुन खिन लोगों और ले नियम कानून दियान। अगर उन लोगों ले नियम कानून को पालन कराल ते परमेश्वर उन लोगों आशीष दियाला और उन बचुनाक वादा कर छे। लेकिन उल क्योच अगर उनुल इनोर पालन नी करला ते उन उ सजा दियोलो। परमेश्वर इजरायली लोगों थे एक ठल तंबू बनून खिन क्योच जै थे मिलाप वाल तंबू ले कुनान। उल उन ठीक ठीक बताज की यो तंबू कशके बनून छे और ऊग भीतर किन किन चीजों राखुन छे। ऊल यू तंबूस दि कमरा में बाटून खिन एक ठुल पर्दा बनून खिन क्योज। परमेश्वर ऊ पर्दाक पसीर वाल कमरा में आल और वहाँ रोल वहाँ परमेश्वर ऊ थे। ऊ कमरा में जाना की आज्ञा केवल माया जकस दीच। उन लोगों ले मिलाप वाल तंबूक सामून एक वेदीस बनून होली। कोई ले जो परमेश्वर नियम कानूनों नहीं मानोल तब वेदी में एक जानवरस लिवन और तब याजक उस बल करोल और वेदी में परमेश्वर खिन बल चढ़ना रूप में जलाल। परमेश्वर क्योच उ जानवरा खून उ आदमी पापुन ढांप ल्योल। इसके आप परमेश्वर पापस नी देखाल उ आदिम परमेश्वर नजून में शुद्ध ठहरोल। परमेश्वर मूसाक भाई हारूनस और हारूनाक वंशस अपुन खिन याजक हुन खिन चुन छे। परमेश्वर उन लोगों जो नियम दीना छा उनार पालन करुन खिन सहमत भ्यान। उन केवल परमेश्वर के लोग हुन खिन और केवल उक आराधना करुन खिन सहमत भ्यान। तब मूसा सेने पर्वत में गयो और वहाँ 40 दिन तक रियोज। तब परमेश्वर उठे बात कर मरियोज। लेकिन जब मूसा सेने पर्वत में छो तब दूसरा तरफ इजरायली लोगों ले इस क्योच मूसा सेना पर्वत भटे किले न आयो। एक कारण उन्होंने हारूनाक पास सुन लिया भ्रहन आयान और उन्होंने क्योच एल हमुन खिन एक मूर्ति बनो ताकि ऊ परमेश्वर बजाय मूर्ति की आराधना कर सकून। इसके उन्होंने परमेश्वर खिलाफ बहुत ठुल पाप कर छे। हारूनल बादशाह जस एक सोनाक मूर्ति बनाच उन लोग ले ऊ मूर्ति पूज करुन शुरू कर दीच और ऊ में बलि चढ़ाच। उनर यह पापा कारण परमेश्वर उन्होंने बहुत नाराज भोज
और उनू नाश कर दिन चाँच, लेकिन मूसाइल उनून थे न मारना विनती कर छे और परमेश्वर ऊग विनती सुन छे और उन नाश न करू। जब मूसा सेना पर्वत में तल उतर आस तब उन दिव्य पाथराक पट्टीन लिभरन आज जिनून में परमेश्वर 10 हुकुम लिखिना छा। फिर उल उ मूर्ति देख छे उ इतु गुस्सा भ्योज के उल उन पाठीन फोड़ भिरन चूर चूर कर दियन। फिर मूसल उ मूर्ति तोड़ भिरन उ बुरादा बना दीज और उ बुरादा पानी में मिला भिरन उन लोगुन उ पानी पिनखिन दीज। परमेश्वर उन लोगों में एक विपत्ति भेजे और उनून में बटे बहुत लोग मर गया। जिन पाठीन मूसल तोड़ दियान उनार जाग में लीन खिन मूसल उन 10 हुक्मों की पाथरक नया पाठी बनायान। तब फिर सेने पर्वत में चढ़ गयो और प्रार्थना कर छे कि परमेश्वर उन लोगों माफ करो। परमेश्वर मूसा सुन छे और उन्हों माफ कर दीज। नया पाठीन में 10 हुक्म लिभरन मूसा पर्वताक तैल उतराज। तब परमेश्वर सेने पर्वत भटे लिभरन वादा देश तक इजराइली लोगों की अगुवाई कर छे।